हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टॉपिक नंबर 11, हायर डिग्री इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स। अभी तक हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे थे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे थे, मतलब सेकंड डिग्री के लिए, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हायर डिग्री इक्वेशंस को, कि ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री दो से ज्यादा हो जाए, सिमिलरली हायर पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री दो से ज्यादा हो जाए, ठीक है। देखना इसको, सबसे पहले तो तीन डिग्री से रिलेट करके देखते हैं। तीन डिग्री से स्टार्ट करते हैं। फॉर क्यूबिक इक्वेशन, तो पहले क्यूबिक इक्वेशन के लिए देख लेते हैं एक बार, इसके लिए अगर समझ में आ गया उसके बाद उसको हम जनरलाइज कर देंगे फॉर एन डिग्री इक्वेशन, ठीक है। तो देखना, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, इस टाइप की होगी क्यूबिक इक्वेशन, राइट। साथ में कंडीशन लगा देंगे दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। सो दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर द क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, अब इसके तीन रूट्स होंगे ये बात पक्की है, ठीक है। तो मान लेते हैं द रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा, इतनी बात ठीक है। अब ये चीज भी पता है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, इसका मतलब ये जो तीन डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा इसके तीन फैक्टर्स होंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, एंड एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीडिंग कोफिशिएंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को। तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस कैन बी रिटन एज a टाइम्स a, इसका लीडिंग कोफिशिएंट है ये आएगा, साथ में सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट, सो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक तीन डिग्री का पॉलिनोमियल है, राइट हैंड साइड पे भी तीन डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो जब भी दो पॉलिनोमियल्स आपस में बराबर होते हैं उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट दोनों साइड पे इक्वल होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होगा, x का कोफिशिएंट बराबर होगा और कांस्टेंट टर्म से बराबर होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको कंपेयर कर रहे हैं। सो लेट्स कंपेयर द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखते जाओ, सबसे पहले x क्यूब का कोफिशिएंट, पहले x क्यूब के कर रहे हैं, तो इससे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे a, राइट हैंड साइड पे भी इसको एक्सपैंड करके देखना कितना मिलेगा, a मिलेगा। तो इससे तो क्या मिला, a इज इक्वल टू a, तो कुछ काम की चीज नहीं मिली, ठीक है। सेकंड, x स्क्वायर, लेट्स कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे चेक करके देखना, इनको एक्सपैंड करना, तो तुम क्या पाओगे दैट लेफ्ट हैंड साइड पे तो बी था, राइट हैंड साइड पे ये ए तो आएगा ही आएगा, साथ में कितना आ जाएगा यहां से, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, राइट। तो यहां से क्या पता चला, दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये एक रिजल्ट मिल गया, इसको संभाल के रखते हैं अभी, ठीक। ये दो रिलेशन आ गए। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x, x के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाएगा c, राइट हैंड साइड पे चेक करो अपने आप, सो c इक्वल टू a टाइम्स a, तो आएगा ही आएगा, इनको एक्सपेंड करके लिखोगे तो x का कोफिशिएंट हमें मिलेगा अल्फा टाइम्स बीटा प्लस बीटा टाइम्स गामा प्लस गामा टाइम्स अल्फा, सो व्हिच इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c अपॉन a, राइट। एंड कमिंग टू द फोर्थ, कंपेयरिंग द कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड पे डी आएगी, इस तरफ देखोगे तो ए टाइम्स माइनस अल्फा बीटा गामा, सो डी इक्वल टू ए टाइम्स माइनस अल्फा बीटा गामा, विच इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, राइट। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, हमें तीन रिजल्ट्स मिल गए, तीन रिलेशन मिल गए, कि अगर इसके तीन रूट्स है ना अल्फा बीटा गामा, पहला रिलेशन ये तीनों का सम कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए होगा, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए,
तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया था रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, वैसे सेम चीज हमें क्यूबिक के लिए मिल गई कि इनके रूट्स के बीच में और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में हमेशा रिलेशन होगा, आपस में इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते, ये बात तो पता ही है। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम से ये तीन रिलेशन याद रखेंगे क्यूबिक के लिए, और इसी को अभी हम एन डिग्री के लिए भी जनरलाइज करेंगे, वेट करो। ठीक है, तब तक एक छोटी सी चीज और देख लो, देखना ये तीन नंबर्स थे हमारे पास, तीन रूट्स थे अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे क्या लिखा गया ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये जो चीज है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी नोटेशन होती है S1, राइट? तो यहाँ पे मैं अलग से ना एक बार नोटेशन लिख रहा हूं। सो इफ देर आर थ्री नंबर्स अल्फा बीटा एंड गामा, सो देर इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन दैट इज S1। S1 का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स taken one at a time। अगर तुम्हारे पास तीन रूट्स हैं, इस केस में रूट्स हैं तो रूट्स की बात कर रहे हैं, अदरवाइज कोई भी तीन नंबर हो सकते हैं। सो S1 is sum of the numbers taken one at a time। तो तीन नंबर्स थे हमारे पास, एक टाइम पे एक ही नंबर लेना है, उनका सम करना है। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये S1 की नोटेशन है। सिमिलरली S2 क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, सो दिस इज टेकन टू एट अ टाइम, इनका सम। और टू एट अ टाइम का मतलब एक बार में दो नंबर ले लो, पहले अल्फा बीटा ले लिया, फिर अल्फा गामा ले लिया, फिर बीटा गामा ले लिया, तो दो दो नंबर्स लेके उनके प्रोडक्ट को ऐड करते जाओ। सो दिस इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एंड सिमिलरली S3 तीन नंबर है, तो S3 क्या होगा, टेकन थ्री एट अ टाइम, तो एक बार में तीन नंबर ले सकते हैं। तो तीन नंबर लेने का एक ही ऑप्शन है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सो दिस इज S3, राइट? तो अगर तीन नंबर्स हैं अल्फा बीटा गामा, S1 लिखा गया है, तो S1 का मतलब सम ऑफ द नंबर्स टेकन वन एट अ टाइम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। S2 सम ऑफ द नंबर्स टेकन टू एट अ टाइम, वो इसके इक्वल होगा। S3 इसके इक्वल होगा, राइट? तो ये नोटेशन याद रखना। तो अगर तुम चार डिग्री के लिए करोगे तो यहाँ पे चार नंबर आ जाएंगे, S1 S2 S3 के साथ एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा, S4 टेकन फोर एट अ टाइम। ठीक है, और उसमें यह बात भी सही है कि S1 में एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, प्लस डेल्टा हो जाएगा। S2 में बना के देखना कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं दो के, वो S2 आ जाएगा। सिमिलरली S3 तीन तीन के कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, एंड सो। ठीक, तो ये नोटेशंस याद रखेंगे। तो अभी हमारे पास तीन रिलेशन आ गए हैं, S1 आ गया माइनस बी अपॉन ए की इक्वल, S2 आ चुका है सी अपॉन ए की इक्वल, S3 आ गया माइनस डी अपॉन ए। तो ये वाले रिजल्ट एक बार हम लिख रहे हैं एक बार एक साथ रिजल्ट। ठीक, ओके, तो रिजल्ट्स लिख रहे हैं, देखना। रिजल्ट नंबर वन इज दैट फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो हूज रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो अभी देखा था हमने कि S1 जो होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसका रिजल्ट आया था माइनस बी अपॉन ए। S2 that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, this is c upon a, and S3 alpha beta gamma is minus d upon a, right? तो पैटर्न देख सकते हैं क्या बन रहा है, S1 के लिए minus b upon a, S2 c upon a, S3 minus d upon a। तो a तो सबके डिनोमिनेटर में है, और उसके बाद b c d इनके साइंस अल्टरनेट आ रहे हैं, माइनस आया था बी के साथ, प्लस आया था सी के साथ, माइनस आया था डी के साथ, राइट? तो ये तो हो गया तीन डिग्री के लिए। सेम तरीके से चार के लिए, सेम तरीके से पांच के लिए, तो इसको मैं एन डिग्री के लिए भी लिख रहा हूं। सो सेकंड फॉर एन डिग्री इक्वेशन, देखना इसको, एन डिग्री इक्वेशन इस टाइप लिख सकते हैं कि ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, प्लस अप टू ए एन एक्स की पावर जीरो इक्वल टू जीरो, राइट? तो इसमें जो एस वन होगा, एस वन का मतलब वही सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। तो अगर इसके रूट्स है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री से लेके अल्फा एन तक, तो एस वन क्या हो जाएगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अप टू अल्फा एन, और वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए वन अपॉन ए जीरो, इसके बराबर होगा। एस टू किसके बराबर होगा, माइनस के बाद प्लस आएगा, तो प्लस का ए टू अपॉन ए जीरो। एस थ्री किसके बराबर होगा,
माइनस का ए थ्री अपॉन ए जीरो, एच फोर किसके बराबर होगा ए फोर अपॉन ए जीरो एंड सो। तो इस तरीके से एस वन एस टू एस थ्री एस फोर मिलते जाएंगे तुम्हें, ठीक। और अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास n नंबर्स है तो S2 में कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जैसे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री से लेके अल्फा n तक है तो दो दो वाले कितने बना सकते हैं, अल्फा वन इंटू अल्फा टू, अल्फा वन इंटू अल्फा थ्री। तो पहले अल्फा वन का सबके साथ चल जाएगा, फिर अल्फा टू का सबके साथ चलेगा, अल्फा थ्री का सबके साथ चलेगा एंड सो ऑन। तो देख के पता चल जाएगा, राइट। तो ये पता चल गया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स फॉर n डिग्री इक्वेशन। अब इसी से मिलती जुलती एक चीज और देख लो, पॉइंट नंबर थ्री। अब ये तो पता चल गया कि अगर इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स दे रखे हैं तो ये रिलेशन होगा कोएफिशिएंट और रूट्स के बीच में। अब हम ये बोलते हैं कि द क्यूबिक इक्वेशन हूज रूट्स आर गिवन इज गिवन बाय, ठीक। तो मतलब अगर तुमसे ये बोला जाए कि एक क्यूबिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स तुम्हें दे रखे हैं, मान लो वन टू एंड थ्री, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते होते थे एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, वैसे क्यूबिक इक्वेशन बनाई जाएगी। तो कैसे बनाएंगे, बोल देंगे कि अगर हमें रूट्स पता है, मान लो अल्फा बीटा गामा है, सो लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसका मतलब इक्वेशन कैसी बनेगी, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा इक्वल टू जीरो, इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। ये बात सही है, तो a तो डिवाइड हो जाएगा जीरो में, इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे कैसी चीज आएगी, तो यही तो आएगी x क्यूब माइनस s1 इनटू x स्क्वायर प्लस s2 इनटू x माइनस s3 इक्वल टू जीरो। चेक कर सकते हो अपने आप, ठीक। तो इसका मतलब अगर तुम्हें रूट्स दे रखे हैं, तीन रूट्स दे रखे हैं और उसकी हेल्प से क्यूबिक इक्वेशन बनानी है तो वो इस तरीके से बनाई जा सकती है। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते थे कि ये वाली इक्वेशन होती है क्यूबिक इक्वेशन, अगर तुम सारे को a से डिवाइड कर दो तो होगा क्या, यहाँ पे एक्स क्यूब बचेगा, यहाँ पे बी अपॉन ए आ जाएगा, तो बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी, माइनस एस वन, तो यहाँ पे माइनस एस वन आ गया। उसके बाद यहाँ पे x के साथ कितना आएगा, c अपॉन a, c अपॉन a की वैल्यू कितनी है s2, यहाँ पे s2 आ गया एंड सिमिलरली माइनस s3 इक्वल टू जीरो, ठीक। एंड सिमिलरली n डिग्री इक्वेशन, द n डिग्री इक्वेशन हूज रूट्स आर गिवन इज गिवन बाय। तो अगर तुम्हें n डिग्री की क्वेश्चन बनानी है जिसके सारे रूट्स हमें पता है, बना सकते हैं, यहां से ऑब्जर्व कर लो पैटर्न पता चल जाएगा। तो सबसे पहले x की पावर n माइनस का s1, एक एक पावर कम होती जाएगी, यहां पे s1 s2 s3 चलते जाएंगे ऑल्टरनेट साइन के साथ, सो प्लस s2 x की पावर n माइनस 2 माइनस s3 x की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये चीज याद रखना कि किसी भी n डिग्री इक्वेशन के लिए हमें s1 s2 s3 ये सारी चीजें फाइंड करनी आती है, मतलब उनके रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन पता होता है, और दूसरी चीज ये कि अगर हमें रूट्स गिवन हो उसकी हेल्प से हम इक्वेशन हमेशा क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ओके, इसके बाद दो पॉइंट्स और लिख रहे हैं नोट की फॉर्म में n डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए, n डिग्री इक्वेशंस के लिए, देखना। सो फॉर an n degree equation first point is if all the coefficients are rational and the roots are irrational, तो क्वाड्रेटिक में हमने लिखा था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रैशनल होते हैं बट रूट्स इररेशनल होते हैं, देन द रूट्स एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर्स। सो ये चीज इसके लिए भी ट्रू होगी, देन द रूट्स विल एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर्स।
राइट। एंड सिमिलरली पॉइंट नंबर टू, इफ ऑल द कोफिशियंट्स आर रियल एंड द रूट्स आर नॉन रियल, then the roots will exist in conjugate pairs. Again, same as quadratic. ठीक बात है, तो बस ये दो पॉइंट्स एडिशनल याद रखेंगे, राइट। तो बस इतना ही सीखना था हमें एन डिग्री पॉलिनोमियल और एन डिग्री इक्वेशन के लिए, इससे काम चल जाएगा। ओके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पे, करो ट्राई इसको अपने आप। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म अ क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। तो एक इक्वेशन बनानी है तीन डिग्री की जिसके तीनों रूट्स हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर हमें सारे रूट्स गिवन होते हैं इक्वेशन बना सकते हैं उससे, तो करते हैं इसको, हो जाएगा आराम से। तो तीन रूट्स दे रखे हैं, वन इज टू प्लस रूट थ्री, सेकेंड इज टू माइनस रूट थ्री एंड देन फोर। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स क्यूब माइनस एस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एस टू एक्स माइनस एस थ्री इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बनेगी, ये पता है हमें, राइट। तो बस करना क्या है, एस वन एस टू एस थ्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कर लेते हैं। एस वन का मतलब टेकन वन एट अ टाइम, सबका सम, तो सबको ऐड कर लो सिंपली। तो ऐड करोगे रूट थ्री माइनस रूट थ्री कैंसिल आउट, टू प्लस फोर कितना आ जाएगा, ये एट के बराबर आ जाएगा। तो एस वन इज इक्वल टू एट, देन एस टू, एस टू कितना, दो दो का प्रोडक्ट करते जाओ। तो पहले टू प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई टू माइनस रूट थ्री, प्लस में टू प्लस रूट थ्री टाइम्स फोर एंड प्लस में टू माइनस रूट थ्री टाइम्स फोर, ये बनेगा। तो चेक कर लो कितना आ गया, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोर माइनस थ्री इज वन, यहां से फोर इंटू टू इज एट प्लस फोर रूट थ्री प्लस एट माइनस फोर रूट थ्री, ये कैंसिल आउट। सो 8 प्लस 8 इज 16, 16 इक्वल टू 17, देन S3 तीनों का प्रोडक्ट, सो 2 प्लस रूट 3 टाइम्स 2 माइनस रूट 3 टाइम्स 4, तो 1 इंटू 4 इज 4, तीनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, S1 S2 S3 यहां पुट कर देंगे सिंपली। सो x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। सिमिलरली कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म अ बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक मतलब चार डिग्री की इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, वन टू थ्री एंड फोर, चार रूट्स दे रखे हैं, बाइक्वाड्रेटिक बनानी है। तो कंसेप्ट तो सेम ही है, बस इसको लेने का पर्पस वही है कि तुम्हें चार डिग्री इक्वेशन के लिए भी एक बार एस टू एस थ्री एस फोर की समझ आ जाए कि कैसे लिखते हैं, ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है। तो बस देख लो एक बार इक्वेशन क्या बनेगी, x cube minus s1 x square plus s2 x and so on, वो पता है हमें। तो पहले s1 calculate करते हैं, s1 कितना, 1 plus 2 plus 3 plus 4, कितना बन गया, ये 10 आ गया, right? Then s2, s2 देखना ध्यान से, दो दो के combinations लेने हैं, जितने भी ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले 1 को fix कर लेते हैं, तो 1 का किन किन के साथ product कर सकते हैं, so 1 into 2 plus 1 into 3 plus 1 into 4, ये हो गया। फिर 2 को fix कर लो, 2 का किसके साथ product करोगे, 2 into 1, 2 into 1 already आ चुका है, तो 2 into 1 दोबारा से consider नहीं करेंगे, 2 into 2 तो वैसे नहीं लेते, distinct लेते हैं, so 2 into 3, so plus 2 into 3 plus 2 into 4, ये आ गया। उसके बाद 3 को fix करोगे, तो 3 2 आ चुका है, 3 1 आ चुका है, सिर्फ 3 4 आएगा, तो plus 3 into 4। So अगर चार numbers हैं, तो S2 में जब taken 2 at a time करोगे, तो कितने ऐसे combinations बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बनेंगे, 4 C2 बनेंगे, ठीक है। तो बस इनको ऐड कर लो, कितना आ गई, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12, सो दिस इज 20, 20 प्लस 10 इज 30, 35, दिस इज S2। देन कमिंग टू S3, एक बार में तीन लेने हैं, तीन तीन का प्रोडक्ट, सो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 4, 1 को फिक्स किया था, तो 1 के साथ 2 3 आ सकते हैं, 2 4 आ सकते हैं, 3 4 आ सकते हैं। अब 1 का रोल खत्म है, अब 2 को फिक्स करोगे तो एक ही आ सकता है, 2 into 3 into 4, तो बस इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे तीन तीन को लेके, ठीक है। ये भी देख लो, तो 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस
प्लस 24, तो ये कितना बन गया 30, 30 प्लस 20 इज 50. देन कमिंग टू S4, टेकन 4 एट अ टाइम, तो सिंपली सबकी मल्टीप्लीकेशन 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 विच इज 24. राइट, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज X3 माइनस S1 दैट इज 10x2 प्लस S2 दैट इज 35x माइनस S3 50 एंड प्लस का 24 इक्वल टू 0. दिस इज x टू द पावर 4 माइनस X3 प्लस X2 माइनस x प्लस 24 इक्वल टू 0. राइट, दिस इज x टू द पावर 4. ठीक बात है. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इफ अ क्यूबिक इक्वेशन इज गिवन एंड इट्स रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस. राइट, तो अब इन सारी टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और देख के पता चल रहा है कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स. ठीक है, तो पहले काम तो क्या करो, यहां से देख के ना तीनों चीजें फाइंड कर लेते हैं, S1, S2 एंड S3. तो S1 कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 3, S2 इज 5 एंड S3 इक्वल टू 2. राइट, ये चेक कर सकते हैं. तो S1, S2, S3 की वैल्यू मिल गई. अब चेक करते हैं तीनों पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो सिंपली क्या होता है, S1 ही होता है. सो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया. इसमें कुछ भी नहीं करना. ठीक, कमिंग टू द सेकंड पार्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. ये बात ठीक है, आइडेंटिटी होती है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर वाली, तो वही आइडेंटिटी यूज की है. अब देख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब S1, इसकी वैल्यू कितनी, 3. सो दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस इज S2, और S2 की वैल्यू कितनी है, 5 है. तो कितना आ गया, 9 माइनस 10 ये आ गया माइनस 1. Right, so this is equal to minus 1. Then coming to third part, alpha cube plus beta cube plus gamma cube. इसके लिए सोच के देखो, कोई identity होती है क्या? तो इसमें भी तुम्हें पता होगा, identity होती है a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to a plus b plus c times a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. So this is alpha square plus beta square plus gamma square minus alpha beta minus beta gamma minus gamma alpha. Right? So this is alpha cube plus beta cube plus gamma cube minus 3 times. Alpha beta gamma is nothing but S3, that is 2. So this is equal to alpha plus beta plus gamma ki value kitni, 3. Alpha square plus beta square plus gamma square already find kar chuke hai, minus 1. और यहां से अगर माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विच इज इक्वल टू S2 एंड S2 इज इक्वल टू 5. तो चेक कर लो, यहां से कितना मिलेगा, माइनस का 6, सो माइनस का 18, और यहां से ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 18 प्लस 6 करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू माइनस 12. सो थर्ड का मिल गया हमें माइनस 12. ये बात ठीक है. अच्छा, अब देखना इसको ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है ना, थर्ड वाला पावर 3 वाला, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, यहां तक तो काम चल जाएगा. बट अब जैसे तुम फोर्थ वाला करोगे, इसमें अगर हम आइडेंटिटी का यूज करने बैठ गए ना, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब इसके लिए हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए रादर देन यूजिंग द आइडेंटिटी. तो इसके लिए भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब के लिए भी आइडेंटिटी से हो गया, बट इसके लिए भी हमारे पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है. वो ऑल्टरनेट ऑप्शन देखते हैं क्या है. ठीक है, देखना, अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है ना, इस इक्वेशन के रूट्स हैं. तो रूट्स का मतलब भी क्या होता है, कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो उसकी हेल्प से करते हैं इसको. सो इसका ऑल्टरनेट मेथड इज, देखते जाना, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा बीइंग अ रूट. सो अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करवा दिया. देन बीटा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड सेम गोज फॉर गामा, माइनस 3 गामा स्क्वायर प्लस 5 गामा
माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो हमने तीनों को सेटिस्फाई करवा दिया, उससे क्या आ गया ना, तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास, वन टू एंड थ्री। अब फाइंड क्या करना था हमें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब फाइंड करना था। तो क्या पता चल रहा है, तीनों इक्वेशंस को क्या कर देना, ऐड कर देते हैं आपस में। सो ऐड ऑल द थ्री इक्वेशंस, देख लो क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब ये मिल गया। इन दोनों को ऐड, इन तीनों को ऐड करोगे आपस में तो माइनस थ्री कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इन सबको ऐड किया गया तो प्लस फाइव कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन माइनस टू माइनस टू माइनस टू इज माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से चेक कर लो, वही सेम वैल्यू आनी चाहिए, माइनस थ्री, इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस वन थी, प्लस फाइव टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना था, थ्री के बराबर, एंड माइनस का सिक्स, तो कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, सो दिस इज 15, 15 minus 6 is 9, and 9 plus 3 is 12, so side पे जाके कितना हो जाएगा, minus 12 हो जाएगा, alpha q plus beta q plus gamma q is minus 12, right? तो ये method भी याद रखना, ये important method है। तो 3 degree तक अगर है तो हमारा identity से भी काम चल जाएगा, but अगर 3 से ज्यादा आ गए तो उसके लिए ये वाला concept हमारी help करेगा, ठीक है। तो अगर ये चीज पता चल गई है ना, अब फोर्थ वाला खुद से ट्राई कर सकते हो, तो इसको एक बार ट्राई करके देखो, पता चल जाएगा। हाँ जी, तो देखना, करते हैं फोर्थ पार्ट। पावर फोर क्रिएट करनी है हमें, पहला काम क्या करेंगे, अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएंगे, जैसे पहले किया था। सो अल्फा क्यूब माइनस थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस फाइव अल्फा माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक। पावर थ्री तक है इसकी हाईएस्ट पावर, हमें पावर फोर क्रिएट करनी है, कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय अल्फा, तो दोनों साइड पे अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज अल्फा की पावर 4 माइनस 3 अल्फा क्यूब प्लस 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0, ये बनेगा। और जो चीज अल्फा के लिए सेटिस्फाई कर रही है वही सेम चीज बीटा के लिए भी होगी, वही सेम चीज गामा के लिए भी, सो बीटा के लिए भी सेम इक्वेशन लिख सकते हैं, प्लस 5 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा इक्वल टू 0, एंड गामा टू द पावर 4 माइनस 3 गामा क्यूब प्लस 5 गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास क्या आ गया ना, तीन इक्वेशंस क्रिएट हो गई हैं, 1 2 एंड 3। क्या करेंगे, तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो ऐड करके देख लो, ये चीज तो क्रिएट हो ही गई है जो हमें चाहिए थी, साथ में देखते जाओ, माइनस 3 टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, प्लस 5 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो कि ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि ऑलरेडी पता है, राइट। तो बस वैल्यूज पुट कर दो, आपको कितना आ गया, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4 इक्वल टू 3 टाइम्स, इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस 12, माइनस का 5 टाइम्स इसकी वैल्यू थी माइनस 1, एंड प्लस 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 3, तो कितना बन गया, माइनस का 36 बना, प्लस 5 माइनस 31 एंड प्लस 6 माइनस 25 दिस इज इक्वल टू माइनस 25, राइट। सो द आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट इज माइनस 25, ठीक है जी। तो अदरवाइज तो हमने ये यूज किया रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स, बट ये चीज मत भूला करो, क्वाड्रेटिक में भी बताया था कि 90% क्वेश्चंस तो हमारे उससे हो जाते हैं कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करके, बट 10% क्वेश्चंस तुम्हें हमेशा वैसे मिलेंगे जिसमें तुम्हें इस फैक्ट का भी यूज करना पड़ेगा कि क्योंकि अल्फा उसका रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ओके। तो ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें एक चीज सुनना, ठीक है, देखना इसको ध्यान से। अब ये जो है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस 1 आई, तो ये हमें देख के थोड़ा सा और लगना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्यों लगना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो अब अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन तीनों का सम करके माइनस 1 क्यों आ गया यहाँ पे, कैसे आ सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है, आ रही बात समझ में। हम बोलते हैं कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तीनों का सम इक्वल टू माइनस 1 तो नहीं आना चाहिए। सिमिलरली यहां पे भी देखोगे किसी नंबर की पावर 4 करो तो उसका रिजल्ट भी वैसे तो पॉजिटिव होता है, तो इन सबका सम करके नेगेटिव कैसे आ गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमने कैलकुलेशन में गलती की है, आंसर सही है बिल्कुल। तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है,
इसको बैठ के सोचना है कि हाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कैन बी इक्वल टू माइनस वन, ये कैसे होना पॉसिबल है, तो इसके बारे में सोचना बैठ के, और जो लॉजिक इसके लिए होगा वो सेम लॉजिक इसके लिए भी होगा, तो सोच के देखना इसको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक और क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें पता करने हैं, ठीक है। तो जो पहली इक्वेशन है वो ए बी सी डी की टर्म्स में है और उसके रूट अल्फा बीटा गामा है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में है और उसके रूट हमें किसके फॉर्म में दे रखे हैं, ए बी सी की फॉर्म में। तो ये चीज तो तुम मान के चल सकते हो, जब भी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी होगी उसके रूट्स दे रखे होंगे तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स का यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। तो देख लो, पहले तो इसके लिए करते हैं, इसको अगर तुम एक्सपेंड करके लिखो तो क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम्स एक्स एंड माइनस ए बी सी, इतना पार्ट बनेगा लेफ्ट हैंड साइड से, और ये माइनस डी आएगा साथ में, माइनस डी इक्वल टू जीरो। ये क्यूबिक इक्वेशन हमें गिवन है और इसके रूट्स हमें दे रखे हैं अल्फा बीटा एंड गामा। तो क्या करो पहले, तो भाई लिख लो एस वन एस टू एस थ्री, तो एस वन मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, यहां से देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आएगा। एस टू देख लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एंड देन एस थ्री दैट इज अल्फा बीटा गामा, ये किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ऑफ दिस अपॉन वन, तो ए बी सी प्लस डी, ठीक है। S1, S2, S3 हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब आते हैं इस इक्वेशन पे जिसके रूट्स हमें चाहिए, तो इसको भी एक बार क्या करते हैं ना, एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा तुम्हें, दिस इज अगेन उसी फॉर्म का है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये चीज है, ठीक। तो अब देखो, हमें इसके जो रूट्स चाहिए ना, किसकी फॉर्म में चाहिए, एबीसी की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को एबीसी में एक्सप्रेस करने की ट्राई करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है इसकी वैल्यू ऊपर से हम उठा सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं बस। सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, तो ये माइनस यहाँ पे, सो माइनस ए बी सी माइनस डी, ये वैल्यू हो गई माइनस अल्फा बीटा गामा की, और साथ में प्लस डी दिखाइए तो प्लस डी इक्वल टू जीरो, राइट। तो इसमें ये माइनस डी और प्लस डी तो कैंसिल आउट हो गया, और ये जो बाकी क्वेश्चन बची इसको देख के थोड़ी फीलिंग आ रही होगी तुम्हें, कौन सी फॉर्म है, एक्स क्यूब माइनस एस वन एक्स स्क्वायर प्लस एस टू इंटू एक्स माइनस एस थ्री इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म है। तो यहां से देख के जजमेंट लगा सकते हैं कि इसके रूट्स कौन से होंगे, ए बी एंड सी, ठीक। तो पता चल गया यहां से देख के, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर ए बी एंड सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। दो क्वेश्चंस और ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट इज इफ द क्यूबिक, एक क्यूबिक इक्वेशन है, हैज टू इक्वल रूट्स देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड के, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और दे रखे उसके दो रूट्स आपस में इक्वल हैं, तो यहां पे ये जो k प्रेजेंट है तो मोड k की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, राइट। तो पहले तो देख लो रूट्स के ऊपर क्या कंडीशन है, कि 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस k इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तीन रूट्स होंगे उसमें से दो आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो दो मान लेते हैं अल्फा एंड अल्फा और तीसरा मान लो बीटा, तो क्यूबिक गिवन है उसके रूट्स गिवन है, क्या करो S1 S2 S3 का यूज करते हैं। तो सबसे पहले S1 कितना आएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 9 बाय 2 ये बनेगा, ठीक। देन S2, S2 कितना चेक कर लो, अल्फा इंटू अल्फा, सो अल्फा स्क्वायर प्लस दिस अल्फा इंटू बीटा एंड दिस अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 2 अल्फा बीटा, और यहां से कितना आएगा 12 upon 2 6 आ जाएगा, और S3 कितना alpha square times beta which is equal to minus plus minus minus of k upon 2, ये values आ गई S1 S2 और S3 की। तो अब तुम क्या notice कर सकते हो कि हमारे पास तीन equations हैं और
वेरिएबल कितने हैं, अननोन कितने हैं, तीन ही अननोन है, अल्फा बीटा एंड के। तो तीन इक्वेशन में से तीन वेरिएबल फाइंड किए जा सकते हैं, और हमें अल्फा बीटा से तो कोई मतलब है नहीं, हमें के से मतलब है, तो के फाइंड करने की ट्राई करते हैं इसी तरीके से। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे होगा। सो सबसे पहले तो अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, इसमें क्या करते हैं ना, यहां से ऊपर से बीटा की वैल्यू निकाल लो, उसको यहां पे पुट कर देते हैं, तो यहां से बीटा आएगा हमारा 9/2 माइनस 2 अल्फा। इस बीटा को उठा के इसमें पुट कर दो, तो उससे होगा क्या, ये सारी इक्वेशन सिर्फ अल्फा में आ जाएगी, तो जब एक वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी उसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये बन जाएगी तुम्हारी कितनी, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टाइम्स बीटा, पुट कर दो वैल्यू 9/2 माइनस 2 अल्फा, सो दिस इज इक्वल टू 6। राइट, कर लो इसको सिंपलीफाई, अल्फा स्क्वायर 2 टू कैंसिल आउट, प्लस 9 अल्फा आ गया, माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6, कितना बन गया ये 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, दो वैल्यूज आ जाएंगी यहां से, अल्फा इक्वल टू 1 और अल्फा इक्वल टू 2। कितनी बात सही है, ठीक, ओके। अब अल्फा इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लो, ये वाला केस ले रहे हैं, केस 1 व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, बीटा की वैल्यू कितनी थी 9/2 माइनस 2 अल्फा, तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 9/2 माइनस 2, 9/2 माइनस 2 व्हिच इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2 आ गया, बीटा इक्वल टू 5/2। ठीक, अल्फा आ गया बीटा आ गया, यहां से के की वैल्यू आ सकती है, तो के कितना है -2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा है ना, वैल्यू पुट कर दो, सो -2 अल्फा स्क्वायर इज 1 बीटा इज 5/2, सो के कम्स आउट टू बी -5। ये केस 1 का रिजल्ट आ गया, तो एक पॉसिबल वैल्यू के की हमें कितनी मिल गई -5 मिल गई। ठीक, केस 2 चेक कर लो, अल्फा इक्वल टू 2, ठीक है ये केस बनाया, केस नंबर 2, तो अगेन अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो बीटा देख लो कितना आएगा 9/2 माइनस 4, तो 1/2 आएगा, सो बीटा इक्वल टू 1/2, अल्फा आ गया बीटा आ गया, k की वैल्यू चाहिए थी, k कितना -2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा, सो k इज -2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा, कितना आ गया k इक्वल टू -4। तो अगर तो k की वैल्यूज पूछी होती तो क्या आ जाता, देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k -5 एंड -4, मोड k की पूछी गई है, तो यहां से मोड k कितना आएगा 5 के बराबर आएगा, एंड यहां से मोड k कितना आएगा 4, सो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोड k, पूछी गई थी मैक्सिमम वैल्यू, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 5 वाली वैल्यू ज्यादा है, सो द रिजल्ट इज 5, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड k इज इक्वल टू 5। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the sum of the roots of the equation, तो ये एक खतरनाक सी इक्वेशन दे रखी है हमें, इसके जितने भी रूट्स होंगे, रूट्स का मतलब x की वैल्यूज, उन सब का सम पूछा गया, राइट, ठीक है, तो पहली चीज तो क्या ना, 2 की पावर 111x, 222, 333, तो एक पैटर्न तो नजर आ रहा है हमें, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, देखते जाना, 2 की पावर -2 * 2 की पावर 336, 333 टाइम्स x, ये आ गया, फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली सेकंड टर्म कैन बी रिटन एज +2 टाइम्स 2 की पावर 111x इक्वल टू, नेक्स्ट इज 2 की पावर 2 * 2 टू द पावर 222x एंड +1, ये क्वेश्चन क्लियर है, तो क्या करने हैं, देख के आइडिया लग रहा है, पुट 2 की पावर 111x इक्वल टू t, इसकी वैल्यू डी के इक्वल पुट कर दी, तो होगा क्या, टी में क्यूबिक बन जाएगी, सो ये 1/4 है, तो दैट मींस टी क्यूब अपॉन 4 प्लस 2t इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 1, चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो टी में आ गई क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले उस सारी इक्वेशन को फिर देखते हैं, तो टी क्यूब -16t स्क्वायर प्लस 8t -4 इक्वल टू 0, दिस इज अ क्यूबिक इन टी। अब जब भी वेरिएबल को चेंज करते हो ना किसी इक्वेशन में, तो उसके रूट्स में जो रिलेशन होता है उसका खास तौर से ध्यान रखा करो, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, तो हम क्या बोल देंगे, टी में क्यूबिक इक्वेशन है, तीन रूट्स आएंगे पक्की बात है, सो t1 t2 एंड t3। अब जो t1 आएगा ना, t1 को तुम क्या करोगे, t1 को उठा के वापस इसी में रखोगे, तो वहां से क्या मिलेगा, एक x की वैल्यू मिलेगी, रियल मिलेगी नहीं मिलेगी हमें कुछ मतलब नहीं है उससे, t1 यहां से आएगा, यहां पे पुट करेंगे, वहां से एक x की वैल्यू मिलेगी, मान लो वो जो x की वैल्यू है उसका नाम x1 है, t2
T2 जो भी आएगा यहां पे रखोगे वहां से x की वैल्यू मिलेगी, मान लो उसका नाम x2 है। T3 जो आएगा उसके कोरस्पोंडिंग x की वैल्यू मान लो x3 है। तो इसका मतलब तीन T की वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग हमें x की भी कितनी वैल्यूज मिलेंगी, तीन वैल्यूज मिलेंगी। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसके जो रूट्स थे ना वो कौन से थे, x1 x2 एंड x3 corresponding to T1, T2 and T3। तो अगर इसके तीन रूट्स हैं इसके भी तीन रूट्स होंगे और हमें चाहिए क्या, फाइंड हमें क्या करना है, X1 plus X2 plus X3 हमें फाइंड करना है। तो बस वो देखना पड़ेगा कि यहां से जो रिलेशन हमारे पास आएगा वो तो T में आएगा बट हमें उसको कन्वर्ट करके इसमें लेके आना है, X में लेके आना है, X1 plus X2 plus X3 फाइंड करना है। तो वो अगर तुम थोड़ा सा भी यहां से सोच के देखो तो आइडिया लग जाएगा। होगा क्या, यहां से अगर तुम रिलेशन यूज करो S1, S2, S3 वाला, तो अगर हम S3 वाला रिलेशन यूज करें ना तो वो होगा क्या, T1, T2, T3 इसके इक्वल माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए था तो 4 के बराबर होगा ना। तो सिर्फ ये वाला रिलेशन लिखा मैंने, क्यों लिखा पता चल जाएगा। T1 क्या है, 2 की पावर 111 X1। T2 क्या है, यहाँ पे T2 रखोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग X2 आया था तो 2 की पावर 111 x2। t3 क्या है, 2 की पावर 111 x3 इक्वल टू 4, ये बनेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 की पावर्स हैं सारे आपस में मल्टीप्लाई में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर में 111 कॉमन, x1 plus x2 plus x3 ये बनेगा इक्वल टू 4 है। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। पहली बात, इस साइड भी बेसिस इक्वल है दोनों साइड पे तो पावर्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज 111 x1 plus x2 plus x3 इक्वल टू 2 व्हिच इंप्लाइज दैट x1 plus x2 plus x3 इक्वल टू 2 अपॉन 111। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, वेरिएबल चेंज करने से टी में इक्वेशन आएगी तो टी में रिलेशन मिलेगा हमें बट वापिस तो हमें एक्स में ही जाना पड़ेगा। तो हमने नोटिस किया कि अगर मैं यहाँ पे T1, T2, T3 करूंगा तो वहां से मेरा X1 plus X2 plus X3 क्रिएट होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, बड़ा सही क्वेश्चन है। द इक्वेशंस, दो क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, हैव टू कॉमन रूट्स, राइट। If the uncommon roots of the two equations are alpha and beta respectively, then mod alpha plus mod beta is equal to. तो पहली चीज तो क्या नोटिस करोगे, कॉमन रूट्स के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और हमने जो कॉमन रूट्स वाला कंसेप्ट किया था अभी तक हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया था। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए तो हमने रिजल्ट याद रख लिया था कि कंडीशन ये होती है कॉमन रूट होने के लिए, बट उसके अलावा क्वाड्रेटिक के अलावा कोई मर्जी इक्वेशन आ जाए अगर उसमें कॉमन रूट की बात की गई है तो स्टार्ट हमेशा वैसे ही करेंगे, लेट अल्फा इज द कॉमन रूट मान के, ये चीज याद रखो हमेशा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, टोटल तीन रूट्स होंगे इसके, इसके भी तीन रूट्स होंगे। बोल रहे थे कि उनमें से दो रूट्स तो आपस में कॉमन ही है, तो मतलब एक रूट ही बचा जो डिफरेंट होगा आपस में, और वो डिफरेंट रूट कौन सा दे रखा है, पहले का अल्फा दूसरे का बीटा, तो मोड अल्फा प्लस मोड बीटा की वैल्यू पूछी गई। तो देखना इसको कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ठीक, इन दोनों में दो रूट कॉमन चाहिए, तो मान लो द कॉमन रूट्स आर गामा एंड डेल्टा, तो दोनों में ये तो कॉमन रूट्स है, तो मतलब इसका भी एक रूट गामा हो गया, एक डेल्टा हो गया, और अनकॉमन तो इसने दे ही रखा है, इसका अनकॉमन रूट कौन सा है, अल्फा, और इसका कौन सा बीटा। तो इस तरीके से हमने तीन तीन रूट अज्यूम कर लिए दोनों के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट तो कहां से करेंगे, कॉमन रूट से। अब नाउ गामा इज द कॉमन रूट, सिंस गामा इज द कॉमन रूट, हालांकि डेल्टा भी है बट एक टाइम पे तो एक पे कंडीशन लगाएंगे ना, सिंस गामा इज द कॉमन रूट, तो गामा क्या करेगा, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दो। पहले से क्या मिलेगा, गामा क्यूब प्लस 3 गामा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गामा प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0, ये मिल गया। दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे से क्या मिला, गामा क्यूब प्लस 2 टाइम्स गामा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गामा प्लस बी टू द पावर 5 इक्वल टू 0। तो ये हमने एक तरीके से ना दो इक्वेशंस क्रिएट कर ली, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, अब देखना, इसमें भी गामा क्यूब का फैक्टर है, इसमें भी गामा क्यूब का फैक्टर है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या होगा उससे, ये दोनों कैंसिल आउट, 3 माइनस 2 दिस इज गामा स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक, तो प्लस में कितना आ गया, ए क्यूब माइनस बी की पावर 5 इक्वल टू 0, दैट मींस गामा स्क्वायर इक्वल टू बी टू द पावर 5 माइनस ए क्यूब, ये गामा स्क्वायर आ गया, तो गामा कितना आ गया, प्लस माइनस का स्क्वायर रूट आ गया, इतनी बात सही है।
अब गामा की दो वैल्यूज आने का मतलब क्या है कि जो पहली वैल्यू होगी प्लस वाली वो भी दोनों को सेटिस्फाई करेगी, जो माइनस वाली होगी वो भी दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो कहने का मतलब ये दो जो वैल्यूज है ना एक्चुअल में यही दोनों कॉमन रूट्स होंगे जिसकी बात चल रही थी। तो एक का नाम गामा होगा, एक का नाम क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो गामा को हमने कॉमन रूट माना था, दोनों में सेटिस्फाई करवाया था। अगर तो यहां से गामा की एक ही वैल्यू आती तो उसका मतलब ये होना था कि इसका एक ही कॉमन रूट है, बट क्योंकि दो वैल्यूज आ रही है तो पता चल गया दो कॉमन रूट्स होंगे और वो हमें क्वेश्चन में भी दे रखा था। तो हम इसमें से एक का नाम गामा डिक्लेयर कर देते हैं, दूसरे का डेल्टा। तो गामा इज स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर 5 माइनस ए क्यूब एंड डेल्टा, सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू माइनस टाइम स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो इतना पता चल गया, कॉमन रूट्स वाली कंडीशन हमने यूज कर ली, अब उसका कोई रूल नहीं आने वाला। पूछा गया इसने अल्फा और बीटा के बारे में, पूछा गया मोड अल्फा प्लस मोड बीटा। अब चेक करो, अगर तुम इस वाली इक्वेशन को देखोगे ना, फर्स्ट इक्वेशन को, तो इसके तीन रूट्स थे गामा, डेल्टा और अल्फा। उसमें से गामा और डेल्टा हमारे पास आ गए तो अल्फा फाइंड कर सकते हैं। तो तीन रूट्स में से अगर दो रूट्स पता चल गए, तीसरा फाइंड कर लोगे, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम यूज कर लो। तो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस गामा इक्वल टू कितना, माइनस 3 आएगा। ये बात ठीक है। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये सारा तो 0 ही है, तो क्या पता चला अल्फा इक्वल टू माइनस 3 आया कि नहीं आया, सही। तो अल्फा की वैल्यू होगी। सिमिलरली और क्या चाहिए, बीटा। सेम काम इसी क्वेश्चन के लिए करेंगे कि तीन रूट्स हैं, तीन में से दो तो पता ही है, तो क्या कर लो तीसरा भी फाइंड कर लो। तो दूसरी वाली क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा, बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा इक्वल टू कितना, माइनस का 2 आएगा। इसका सम अगेन किसके बराबर है, 0 के, तो बीटा कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। सो अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, वैल्यूज पुट कर दो, मोड अल्फा प्लस मोड बीटा इक्वल टू माइनस 3 का मोड इज 3 माइनस 2 का मोड इज 2, सो दिस इज इक्वल टू 5। So the result is 5, option B is correct। ठीक, तो कॉमन रूट बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, अगर कॉमन रूट दे रखा है तो मान लो कोई भी कॉमन रूट है, इसमें हमने दो दे रखे थे तो दो मान लिए, कोई भी एक सेलेक्ट करके उसको दोनों में सेटिस्फाई करवा दिए, सोल्व कर लिए, दोनों की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल गई हमें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और अभी तुमने देखा होगा जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं मोस्टली हमने 3 डिग्री क्वेश्चंस पे लिए, क्यूबिक इक्वेशन पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हाई डिग्री इक्वेशन और हाई डिग्री पॉलीनोमियल्स पे क्वेश्चन लिए जाएंगे, राइट।